हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज पर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुख करते हैं सुपर फास्ट 100 का। पीएम नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया। बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के सभी राजनेताओं को फोन पर निमंत्रण मिला है। 24 जून को पीएम आवास पर होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित जम्मू कश्मीर के नेताओं से संपर्क किया गया। बैठक के लिए जिन 14 नेताओं को बुलाया गया है उन्हें कोरोना नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट देने को भी कहा गया। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सर्वदलीय बैठक 24 जून को दोपहर 3 बजे होगी। बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्य राजनीतिक दलों के अलावा दूसरे छोटे दलों के नेताओं को भी न्यौता दिया गया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से प्रमुख आयोजन एक टेलीविजन कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की नोडल एजेंसी आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस साल मुख्य थीम स्वास्थ्य के लिए योग यानी योग फॉर वेलनेस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के करीब 190 देशों में मनाया जाएगा। लाखों योग प्रेमियों ने अपने घरों से इस आयोजन में हिस्सा लिया। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। 24 घंटे में 170 नए मरीजों की पहचान हुई। एक दिन में 33 लोगों ने जान गंवाई। 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज ठीक हुए। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकारी ऑयल कंपनियों ने रविवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में 29 पैसे और डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत 97.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.97 रुपये प्रति लीटर हो गया। कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। मिल्खा सिंह ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह को सभी ने नम आंखों के साथ विदाई दी। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी थी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती किया गया था। मिल्खा सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक व्यक्त किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा कि फ्लाइंग सिख हमेशा भारतवासियों के दिलों में जीवित रहेंगे। सीएम ने कहा कि मिल्खा सिंह जी हमें छोड़ गए हैं लेकिन वो हर भारतीय को देश के लिए चमकने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। तो वही गृह मंत्री अनिल विज ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। विज ने ट्वीट कर मिल्खा सिंह के निधन से देश को अभूतपूर्व क्षति हुई कहा। विज ने लिखा खेल जगत के लाइट हाउस लाइन सिख मिल्खा सिंह को हमने खो दिया। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। सीएम ने बताया कि बैठक में पर्यावरण से संबंधित हरियाणा राज्य के विभिन्न विषयों के संदर्भ में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में अब कोयला और अन्य परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जगह पर सीएनजी पीएनजी और एलपीजी का उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिला क्षेत्रों में अभी तक सीएनजी पीएनजी और एलपीजी आपूर्ति पाइपलाइन पहुंच नहीं सकी। हालांकि कंपनियों के पाइपलाइन के कार्य प्रगति पर। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। सिरसा जिले में अब जल भराव की समस्या नहीं होगी। सिरसा वासियों को जल भराव से निजात। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी मिल चुकी है। योजना के लिए 28 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। नगर परिषद के अध्यक्ष रीना सेठी ने इसकी जानकारी दी है। रीना सेठी ने योजना के लिए सीएम मनोहर लाल और विधायक गोपाल कांडा का आभार भी जताया। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक सफल रही है। कि सर्वे में भी स्पष्ट हुआ है कि पहले 5 राज्यों में हरियाणा एक और हरियाणा को A+ ग्रेड मिला है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार हेतु संस्कृत मॉडल स्कूल जो पहले 22 थे अब 136 किए गए, जिन्हें CBSE की मान्यता दिलाई गई, यहाँ अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले प्लान में जहां 67 नए कॉलेज सरकार ने मंजूर किए थे, वहीं इस बार अभी तक 17 नए कॉलेज मंजूर किए गए। साथ ही जहां पहली से आठवीं तक की शिक्षा का अभी का तहत शिक्षा दी जाती थी, अब उसे पहली से बारहवीं तक कर दिया गया है, जहां पुस्तकें और दूसरी सुविधाएं फ्री होंगी। वही शिक्षा मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सरकार ने सुपर कोचिंग सेंटर शुरू किए हैं, जो अभी तक रेवाड़ी और पंचकुला में थे, लेकिन सीएम ने हिसार कुरुक्षेत्र में भी सुपर कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया, जिसके आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी विशेष सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। किसान आंदोलन में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां को देखते हुए प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। आंदोलन में हो रही घटनाओं पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। विज ने बताया कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी उस आंदोलन के नेताओं पर होती है, लेकिन यहां हो रही घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अब किसान नेताओं के हाथ से आंदोलन निकल गया। वही एसवाईएल के मुद्दे पर अनिल विज ने कहा कि एसवाईएल को लेकर बातचीत पहले भी कई बार हो चुकी है और अब केंद्र ने एक बार फिर प्रयास किया है, तो अगर बातचीत से मसला हल होता है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला को न जाने कौन सी बीमारी है और उनका इलाज भी नहीं हो सकता। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री ने मोना रोड के साथ बन रहे नाले के निर्माण कार्य से अब तक 3 नहर से लेकर तिगांव रोड शिव कॉलोनी तक बनाए जा रहे 4 लेन रोड के अलावा और भी चीजों का दौरा किया। और मौका पाकर ही निगम के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि नाले के अंदर बरसात के मौसम में पानी के बहाव में दिक्कत न आए, इसलिए सभी रुकावटों को दूर किया जाए और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा किया जाए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी न हो सके। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की मार पूरे देश को झेलनी पड़ रही है, अलबत्ता देश का किसान वर्ग भी लॉकडाउन की मार से छूटा नहीं रहा। प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले किसान को लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फूलों के उचित दाम न मिलने से फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को 200 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से फूलों की डिमांड नहीं है, क्योंकि मंदिरों में होने वाले कार्यक्रम और शादियों में पहले जैसी रौनक नहीं रही। फूलों की डिमांड कम होने से चीन में तैयार फूलों की खेती को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष और इस वर्ष भी फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी झेल रहे किसान अब मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग लगवा सके इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सके इसके लिए रेस्टोरेंट और बार में भी अब डिस्काउंट की स्कीम शुरू कर दी गई। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित कई बार और रेस्टोरेंट में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगा सके। उखलाना में सड़क निर्माण में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए, मरम्मत के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे। सोनीपत के घोड़ा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट गबन मामले में 2 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष है, BDPO पर मिलीभगत का आरोप लगा। टीकरी बॉर्डर पर जिंदा जलाने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की गठित कमेटी ने झज्जर पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल से मुलाकात की। कमेटी में शामिल लोगों ने अधीक्षक को बताया कि यह हत्या नहीं आत्महत्या का मामला है, जिसको कुछ लोग हत्या का मामला साबित करने पर तुले हैं।
कमेटी ने एक वीडियो भी पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। कमेटी का दावा है कि मृतक मुकेश ने खुद तेल छिड़ककर आग लगाई, जिसमें कुछ किसानों ने उसकी जान बचाने की कोशिश भी की थी। कमेटी ने गिरफ्तार किए गए किसानों को बेकसूर बताया और उन्हें जल्द रिहा करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच गंभीरता से करने का आश्वासन दिया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बहादुरगढ़ में किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि जल्द गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें बीजेपी को हराने के लिए किसान नई रणनीति बनाएंगे। प्रदेश में किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आदित्य कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक में सिरसा जिला प्रभारी को विशेष रूप से पहुंचना है। बैठक की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान एकता के संबंधित किसानों ने मौके पर पहुंचकर बैठक का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पहुंचे पुलिस बल भी तैनात किया गया। किसानों ने कहा कि बीजेपी बीजेपी के कार्यक्रम। बिचपड़ी गांव में ग्रामीणों ने निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड हाईवे पर धरना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि खेतों में आने जाने के लिए सर्विस रोड की बजाय रास्ता देकर एक पुल का निर्माण किया जाए। मांग को लेकर उन्होंने डीसी को भी पत्र लिखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनको अपने खेतों में काम करने के लिए रोजाना आना जाना पड़ता है और उनके खेतों में आने जाने के लिए क्रॉसिंग नहीं होगी तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जींद खटखट टोल से किसान नेताओं ने एक और बयान जारी किया है और सरकार की दिक्कतों को यह बयान बढ़ा सकता है। किसानों का कहना है कि नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। किसानों का कहना है कि ऐसा करके एक नया इतिहास रचा जाएगा। सर्वसम्मति से सरपंच चुनने के लिए गांव-गांव में कमेटियां तैयार की जा रही है। किसानों ने कहा कि जो प्रतिनिधि सरकार की तरफ से चुनाव मैदान में उतरेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव के सामने लोगों ने अपनी परेशानियों को रखा। इस बीच एक बुजुर्ग ने कोरोना काल में अपने साथ हुई आपबीती को मंत्री के सामने रखा और बताया कि कैसे कोरोना काल में उनके छोटे भाई के इलाज के दौरान अस्पताल ने उनसे पैसे ऐंठे। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने उनके भाई की जिंदगी को भी ली। इस बैठक में वो अधिकारी भी मौजूद थे जिन्हें इस मामले में 48 घंटे के भीतर जांच करने के दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो आगे अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। पंचकूला में झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड का विरोध लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल। घग्गर नदी पार के सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसको लेकर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पलवल में हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी पर महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने कहा कि साल 2011 में वो एक झगड़े की शिकायत देने के लिए थाने पहुंची थी, जहां पर उसका संपर्क राजकुमार नाम के पुलिसकर्मी से हुआ और पुलिसकर्मी ने महिला को मदद करने का आश्वासन दिया और बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध। पीड़िता जब शादी की बात कहने लगी तो वो टालमटोल कर देता था। वहीं पीड़िता को बाद में पता चला कि पुलिसकर्मी राजकुमार पहले से ही शादी शुदा है। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी मामले में अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोहाना शहर के एक शख्स के साथ दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। शख्स का आरोप है कि मोनू नाम का एक युवक उसके घर किराए पर रहने आया था, जो कि हिसार गांव में था, जिसने ठगी को अंजाम दिया। किराएदार ने बातचीत में बताया था कि वो सोनीपत के बैंक की शाखा में नियुक्त है और उसका भाई दिल्ली पुलिस में डीएसपी है। उसने उसके बेटे रमेश को दिल्ली पुलिस ने लगवाने का झांसा दिया और 12 लाख रुपये मांगे थे।
जिसके बाद पीड़ित शख्स ने बहकावे में आकर 3,80,000 रुपए दे दिए। जब उसके बेटे की कहीं नौकरी नहीं लगी तो उसने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलाना में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर योग दिवस पर हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को योग अभ्यास किया जा रहा है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में एक योग कैंप लगाकर योग के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार योग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। डांसा बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने किसान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करते हैं कहा, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के आने पर किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और भविष्य में भी किसान शांति बनाए रखने में भी विश्वास रखते हैं। किसानों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक वे घर वापसी नहीं करेंगे। नादौर में पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की मुसीबतें बढ़ गई है, जो या तो इनकम टैक्स पे ही है या फिर ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी है जो कि 10,000 से ज्यादा पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे भी किसान हैं जो सम्मान निधि वापस करने होंगे। पलवल पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर पैसे हड़पने के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मीसा गांव के रहने वाले उमेश कुमार की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने अदालत में 4th क्लास की नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके 26,000 रुपए ऐंठे गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अर्जुन टाक को दिल्ली के मंडावली से गिरफ्तार किया, जिसके पूछताछ के बाद उसके सहयोगी विनोद कुमार को दिल्ली के ही लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार किया। हालांकि अभी एक आरोपी फरार है जो मथुरा का रहने वाला है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाए। कुरुक्षेत्र में भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी रामपाल के घर पर खुशी का माहौल है। दरअसल ओलंपिक में भाग लेने की पक्की दावेदारी पर परिवार में खुशी की लहर है। इसी खुशी के पल को लेकर रानी रामपाल की माताजी का कहना है कि उनकी बेटी ने खेलने के जुनून से ये काम मुकाम हासिल किया और उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी बेटी अब मेडल भी जरूर लाएगी। तो वहीं रानी रामपाल के पिता भी दुनिया के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि लड़कियों को लड़कों से कम आंकने की भूल कभी ना करें। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त करना, लेकिन अधिकारी और विभाग की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसी तस्वीर अंबाला से सामने आई जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। यहां सफाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही की जा रही है। जब हमारी टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहां स्वच्छ भारत की सभी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो गई। यहां जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही। गोहाना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला वार्ड 19 के राशन डिपो पर देखने को मिला। वारदात के दौरान चोरों ने डिपो का ताला तोड़कर हजारों रुपए का राशन और नकदी लूट ली। वहीं डिपो संचालक का आरोप है कि कई बार पुलिस को कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हद तो यह है कि 3 साल में इस डिपो में 4थी घटना हुई है और पुलिस अभी भी इसकी तफ्तीश गहराई से नहीं कर रही है। जींद के कटेला गांव में 25 वर्षीय विजेंद्र के गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें करीब 5 महीने से युवक लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है।
गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने का ऐलान किया था, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी कंडेला गांव पहुंचे और एक कमेटी का गठन किया था। रोहतक के गांव बोहर में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला ने घरेलू कलह की वजह से खुद को फांसी लगाई। झज्जर के बरहाना गांव की प्रीति की शादी 3 साल पहले रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले रवि के साथ हुई थी और इनकी 1.5 माह की बच्ची भी है। महिला का पति सेना में कार्यरत था और वह छुट्टियों में अपने घर आया था। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। घटना की खबर मिलते ही महिला के मायके वाले भी बोहर गांव पहुंचे। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान ससुराल और मायके पक्ष के बीच तनाव की स्थिति पैदा होगी, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। सिवानी मंडी के निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान हुई महिला की और बच्चे की मौत के बाद परिजनों में रोष। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की, जिसकी वजह से दोनों की जान चली। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां महिला और बच्चे की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। भिवानी में नहर में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा नहर में नहाने के लिए उतरा था और तेज बहाव की वजह से वो बह गया। मृतक बच्चा मिठाथल हादसे के बाद बच्चे की तलाश शुरू की गई, लेकिन नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से 24 घंटे बाद बच्चे का शव बरामद किया गया। उधर नहर में होने वाले हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने माता पिता से अपील की है कि वो इस तरह के हादसों से बचने के लिए सतर्क रहें।